ये क्या है, हमारे जो जिया जी है वो रोडू पिता हरजी बंजारा निवासी पीपलखेड़ा, ये क्या आए दिन 8-10 साल से दारू पी के लड़की को मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था। कई बार इसको जमानत पर बच्ची को समाज के तौर से भेजा गया। कई बार 2-3 बार इसकी गरोड़ थाने में रिपोर्ट हुई। 4 दिन पहले ही 100 नंबर डायल करके घर बुलाई गई थी पुलिस, क्योंकि इसने बच्चों को इनके साथ मारपीट की थी। तो पुलिस के द्वारा समझा कि ये भग गया था गांव से घर छोड़ के, तो दूसरे दिन आज ये घटना वापस हो गई। तो ये घर में रात भर से इसने बच्ची को घुसने नहीं दी, नहीं बच्चों को घुसने दिया। तो मेरे पास जब सुबह 6-10 पे फोन आया कि मेरे को जब घर में घुसने नहीं दिया, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मैं और मेरे बच्चे मर रहे हैं हम लोग, ये इतनी सी बात मेरी हुई। उसके बाद कोई हमारे पास में ये बात नहीं हुई। और 10 साल से दारू पीकर रात दिन प्रताड़ित करना, सास ने भी इसको कई बार मारी। उसके बाद हमने भी 50 बार गांव के कई लोगों को समझाया, कई बार सरपंच से लेकर थाने से लेकर रिपोर्टें भी कई बार हुई। बल्कि आज तक मतलब पूरा परिवार गलत है और बच्ची को जानबूझ करके प्रताड़ित करने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। ये पीपलखेड़ा गांव की सुगना बाई है, पति रोडू सिंह है, 40 साल इसकी उम्र है। तो ये पति से काफी साल से प्रताड़ित थी जब से इसकी शादी हुई। इसका पति जो है वो कंबल बेचने बाहर जाता है और आता है तो इसके साथ मारपीट करता है। अभी कुछ दिन पहले ही ये कंबल बेच के वापस आया था, तब से लगातार इसको प्रताड़ित कर रहा था। कल रात में भी उसने इसके साथ मारपीट की थी पत्थर वगैरह से। उसको लेकर यह महिला रात में आंगनवाड़ी स्कूल में चली गई थी, रात भर वहीं रुकी। सुबह इसको लगा कि अब कुछ बचा नहीं है जीवन में, तो उसके बगल में उसका जो खेत है वहां पे ये महिला गई अपने चारों बच्चों को लेकर और उनके साथ कुएं में कूद गई, जिसमें चारों बच्चों की डेथ हो गई है। महिला को जीवित निकाल लिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।